हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको C50 फ़ोन है तो पोको C50 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारा फ़ोन है तो फ़ोन को आप कैसे रीसेट कर सकते हैं अपने पोको C50 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे आप विदाउट डाटा लॉस फ़ोन को रीसेट कर पाएंगे पोको फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन को कैसे रीसेट कर सकते हैं बिना डाटा लॉस के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शोर हैं, तो सिंपली स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पर जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में बिना डाटा लॉस के आप फ़ोन की सेटिंग्स पर आपको रीसेट कैसे करेंगे, सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपके पास अबाउट फ़ोन सेटिंग्स आ जाती है। तो अबाउट फ़ोन सेटिंग्स पर क्लिक करना है, फिर आपके पास फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके ज़रिए आप बिना डाटा लॉस के फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। सिंपली इस पे जाना है, इस पे जाते ही आपके पास पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालते ही ये कुछ ऑप्शन आ जाएगा, बैकअप आइटम फर्स्ट, यानी जिस भी आइटम्स को आप बैकअप करना चाहें या स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं। बैकअप वाले पर क्लिक करके आप अपने डाटा को बैकअप करके रिस्टोर कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ से आप रिस्टोर कर पाएंगे, और रिस्टोर करके जब आप फ़ोन को रिस्टोर करते हैं यानी रीसेट करते हैं, तो रीसेट करते जो डाटा आपके फ़ोन का लॉस्ट नहीं होगा, यानी लॉस नहीं होगा। तो इस तरीके से आप विदाउट डाटा लॉस भी फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं अपने पोको फ़ोन में। और सिंपली आपको ऑप्शंस में मिलता है तो आप फ़ोन की एडिशनल सेटिंग्स पे जाकर भी फ़ोन को सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं। सिंपली रीसेट का सेटिंग्स आ जाएगी, जहाँ से आप यहाँ से ही ओपन करके इस तरीके से अपने फ़ोन को आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। यहाँ से करना चाहें तो रीसेट कर पाएंगे बिना डाटा लॉस के। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।